32-bit एंड 64-bit, ये दोनों टर्म से तो आप जरूर फेमिलियर होंगे। आप जब भी कोई नया प्रोग्राम आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हो, चाहे वो किसी तरह का कोई सॉफ्टवेयर हो, किसी तरह का कोई गेम हो, या फिर इवन ऑपरेटिंग सिस्टम ही क्यों ना हो, तो शायद आपने 32-bit एंड 64-bit का ऑप्शन ज़रूर देखा होगा। तो आखिर ये 32-bit एंड 64-bit का क्या मतलब है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, और क्यों 64-bit ज़्यादा प्रेफरेबल होता है, आज की इस वीडियो में आपसे इसी बारे में बात करने वाला हूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सोमजीत, आप देख रहे हैं कि सोमो यूट्यूब चैनल। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि 32-bit CPU और 64-bit CPU का क्या मतलब है। आज से अगर आप कुछ सालों पहले देखोगे, अगर आप 2000 या फिर 2001-2 इस तरह के टाइम पे अगर आप देखोगे, तो उस टाइम पे 32-bit CPUs ही अवेलेबल थे। जो भी CPUs मार्केट में आते थे, वो सारे के सारे 32-bit आर्किटेक्चर के ऊपर ही बेस्ड थे। पर 2003 में जब AMD ने अपना सबसे पहला 64-bit CPU को लॉन्च किया, जिसका नाम था Athlon 64, इसका नाम था, इसके बाद कंज्यूमर ग्रेड में जो CPUs आने लगे, वो सारे के सारे 64-bit आर्किटेक्चर के ऊपर आने लगे। 32-bit के भी कुछ CPUs आते थे, पर ज़्यादातर जो CPUs थे वो 64-bit के आने लगे। पर आजकल अगर आप देखोगे, तो सारे के सारे CPUs आपको 64-bit आर्किटेक्चर के ऊपर ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे 32-bit और 64-bit का क्या मतलब है, इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। मैंने आपको 32-bit और 64-bit CPUs का जो हिस्ट्री था वो बता दिया। बेसिकली 32-bit और 64-bit एक CPU की रजिस्टर विड्थ को दर्शाता है, और यहाँ पे CPU का जो रजिस्टर है वो डायरेक्टली रिलेशन रखता है RAM से। बेसिकली RAM की जो मेमोरी एड्रेसेस है वो यहाँ पे स्टोर होता है CPU की रजिस्टर में, और इसी मेमोरी एड्रेसेस से CPU को पता लगता है कि कौन सा डेटा RAM के कौन से फिजिकल लोकेशन पे पड़ा हुआ है। जैसे कि आपको पता है कि RAM काफ़ी बड़े होते हैं, 4GB, 8GB, 16GB, इवन 32GB, तो CPU को कैसे पता लगता है कि कौन सा डेटा RAM के किस पोर्शन पे है, इसी मेमोरी एड्रेसेस से ही CPU को पता लग जाता है। तो चलिए बात करते हैं कि 32-bit और 64-bit का मतलब क्या है। बेसिकली यहाँ पे जो बिट टर्म आप देख रहे हो, 32-bit, 64-bit, इनका क्या मतलब है, ये एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, ये मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझा देता हूँ। जैसे कि आप सब जानते ही हो कि हमारे जो कंप्यूटर्स होते हैं वो सारे के सारे बाइनरी सिस्टम के ऊपर वर्क करते हैं, मतलब कि वो जो भी कैलकुलेशन करता है वो सब कुछ बाइनरी पे होता है, 0 और 1 पे। तो यहाँ पे आप मान लीजिए आपके पास एक स्टोरेज डिवाइस है जिसमें 2 bit का स्पेस अवेलेबल है, तो यहाँ पे आप 0 और 1 के कितने कॉम्बिनेशन स्टोर कर सकते हो, 2 के पावर में 2 होगा यहाँ पे, मतलब कि 0 0 0 1 1 0 और 1 1, इतने सारे कॉम्बिनेशन को आप स्टोर कर सकते हो अपने 2 बिट के स्पेस में, इतने कॉम्बिनेशन के डेटा को आप स्टोर कर सकते हो। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि 0 और 1 ये इंडिविजुअल बिट्स है, इनके बारे में शायद आपको पता होगा। तो ऐसे ही अगर आपके पास 32-bit स्पेस अवेलेबल है, तो इसमें आप 0 और 1 के कितने कॉम्बिनेशन स्टोर कर सकते हो, ऑलमोस्ट 429 करोड़। तो यहाँ पे आप जो एक्चुअल वैल्यू है आप देख सकते हो, तो बहुत बड़ा एक वैल्यू है, इतना ज़्यादा मात्रा में आप पॉसिबल एड्रेसेस को स्टोर कर सकते हो, इतने पॉसिबल कॉम्बिनेशन को स्टोर कर सकते हो 0 और 1 की। तो ऐसे ही अगर कोई एक CPU है जो 32-bit आर्किटेक्चर के ऊपर बेस्ड है, तो इसमें हम मैक्सिमम 4 billion bytes की पॉसिबल मेमोरी एड्रेसेस को स्टोर कर सकते हैं, यानी कि 4GB पॉसिबल मेमोरी एड्रेसेस को इसमें हम स्टोर कर सकते हैं, मतलब कि इसमें हम मैक्सिमम 4GB तक का रैम लगा सकते हैं। 32-bit CPU के साथ हम मैक्सिमम 4GB तक का रैम लगा सकते हैं। अगर हम इससे ज़्यादा बड़ा रैम लगाते हैं, 8GB या फिर 32GB, ऐसा अगर कोई एक रैम लगाते हैं, तो उसमें से हम मैक्सिमम 4GB तक ही यूज़ कर सकते, उससे ज़्यादा रैम वो यूज़ नहीं कर सकता। एक 32-bit CPU 4GB से ज़्यादा रैम यूज़ नहीं कर सकता। ऐसे अगर मैं आपसे बात करूँ 64-bit वाले CPUs की, तो 64-bit में हम 16 exabyte की RAM लगा सकते हैं मैक्सिमम, मतलब कि ऑलमोस्ट 18 billion gigabytes की RAM हम इसमें लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको 16 exabyte की RAM की सपोर्ट के बारे में बताया एक 64-bit आर्किटेक्चर वाले CPU के साथ, पर एक्चुअली में ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उसमें RAM सपोर्ट्स की लिमिट रहता है। इसी वजह से शायद इतना RAM लगाने की अपॉर्चुनिटी हमें ना मिले, पर फिर भी जो सपोर्ट एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी प्रोवाइड करता है वो भी बहुत है। सर्वर में भी इतना ज़्यादा रैम की कोई ज़रूरत नहीं होता, इसके बारे में मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। तो यहाँ पे बात ख़त्म नहीं हो जाती है कि एक 64-bit आर्किटेक्चर वाला CPU ज़्यादा रैम को सपोर्ट कर सकता है, यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होती है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको एक एक करके बताऊँगा। तो ये तो हो गया एक पॉइंट, क्यों ज़्यादा रैम को यूज़ कर सकता है।
दूसरा कि वो जो भी रैम लगा हुआ है आपके सिस्टम में उसको और भी ज़्यादा एफिशिएंटली यूज़ कर सकता है, जिससे आपका कंप्यूटर और भी ज़्यादा फास्टली वर्क करेगा। एक 64 बिट किस वाले सीपीयू के साथ अगर एक 4GB का ही रैम लगा हुआ है फिर भी वो ज़्यादा एफिशिएंटली उस रैम को यूज़ कर पाएगा, क्योंकि इसका रजिस्टर बड़ा है, इसका रजिस्टर का जो विड्थ है वो ज़्यादा है, तो इसी वजह से आपको ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस भी मिलेगा। सो इन ए नटसेल एक 32 बिट सीपीयू के कंपैरिजन में 64 बिट सीपीयू ज़्यादा बेटर है हर मामले में। तो ये तो हो गया हार्डवेयर लेवल की कहानी, 32 बिट आर्किटेक्चर वाला सीपीयू, 64 बिट आर्किटेक्चर वाला सीपीयू, 4GB रैम, 8GB रैम, तो ऐसे तो हो गया हार्डवेयर लेवल की कहानी। अब चलिए बात करते हैं सॉफ्टवेयर लेवल की कहानी की, मतलब कि मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम की, 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम और 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे मुझे सबसे पहले एक चीज़ कहना चाहिए कि एक 64 बिट आर्किटेक्चर वाले सीपीयू के ऊपर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसमें 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप अगर चाहो तो उसमें आप 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम को भी इंस्टॉल कर सकते हो, जो कि रिकमेंडेड ऑब्वियसली नहीं है, पर ऐसा किया जा सकता है। और ऐसा भी पॉसिबल है कि एक 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम में जो प्रोग्राम आप इंस्टॉल कर रहे हो वो 32 बिट का है, ऐसा भी पॉसिबल है। इसके बारे में भी मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। पर अगर आप एक 64 बिट आर्किटेक्चर वाले सीपीयू के ऊपर अगर आप 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हो तो भी आप 4GB से ज़्यादा रैम को यूज़ में नहीं ला पाओगे। अगर आपके कंप्यूटर में 16GB का रैम फॉर एग्जांपल लगा हुआ है तो उसमें से सिर्फ आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 4GB यूटिलाइज़ करेगा, तो आप सोच सकते हो कितना बड़ा डिसएडवांटेज है। इसके अलावा भी एक और जो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम पे अगर आप कोई प्रोग्राम इंस्टॉल करते हो वो प्रोग्राम अगर 2GB से ज़्यादा रैम मांगता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम उस प्रोग्राम को 2GB से ज़्यादा रैम नहीं देगा। मैक्सिमम एक प्रोग्राम को 2GB तक की रैम देगा, 2GB तक की मैक्सिमम लिमिट है, एक प्रोग्राम एक टाइम पे 2GB का ही रैम यूटिलाइज कर सकता है, इससे ज़्यादा रैम वो यूटिलाइज नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम खुद ही तो सिर्फ 4GB का यूटिलाइज कर सकता है। इसमें से अगर पूरा का पूरा वो एक प्रोग्राम को ही दे देगा तो ऑब्वियसली ऑपरेटिंग सिस्टम स्लो हो जाएगा, हैंग हो जाएगा। तो ऐसा अगर ना हो, ऐसा ना हो इसी वजह से यहाँ पे 2GB का ही रैम दिया जाता है एक इंडिविजुअल प्रोग्राम को। तो ऐसे अगर हम यहाँ पे बात करें 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम की तो यहाँ पे तो कोई लिमिट है ही नहीं, यहाँ पे जितना चाहो आप रैम लगाओ, जितना चाहो एक प्रोग्राम को रैम असाइन करो, कुछ भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर हाँ, यहाँ पे जो मैं लिमिटेशन की बात कर रहा था उसके बारे में यहाँ पे ही बता देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं विंडोज 7 से, तो विंडोज 7 की जो होम वर्सन है इसमें मैक्सिमम रैम की कैपेसिटी है 16GB, और जो विंडोज 7 प्रो है इसमें मैक्सिमम रैम की कैपेसिटी है 192GB। अगर हम बात करें विंडोज 10 की तो विंडोज 10 होम में मैक्सिमम रैम की कैपेसिटी है 128GB, और विंडोज 10 की जो अदर वर्सन है जैसे कि एडुकेशन प्रो या फिर एंटरप्राइज, यहाँ पे मैक्सिमम रैम की कैपेसिटी है 2TB एंड प्लस। अगर आप 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो स्पेशली विंडोज, तो यहाँ पे रैम के सपोर्ट के अलावा भी और भी बहुत सारे एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ मिलेंगे। इनमें से एक है ड्राइवर सिग्नेचर एनफोर्समेंट। इसका मतलब यही है कि अगर कोई एक मैन्युफैक्चरर ड्राइवर बनाता है, ड्राइवर को राइट करता है, ड्राइवर लिखता है, ड्राइवर को कोड करता है, तो उसमें उसको अपना सिग्नेचर भी डालना पड़ता है, उसमें उस मैन्युफैक्चरर को अपना सिग्नेचर भी देना पड़ता है जो कि डिजिटल सिग्नेचर है ऑब्वियसली। इसके अलावा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उस ड्राइवर को इंस्टॉल नहीं होने देगा, उस सिग्नेचर के अलावा, उस डिजिटल सिग्नेचर के अलावा उस ड्राइवर को ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं होने देगा। ऑब्वियसली आप इस फैसिलिटी को डिसेबल कर सकते हो जो कि अलग टॉपिक है। और ड्राइवर सिग्नेचर की वजह से फ़ायदा यही होता है कि जो मैलवेयर्स हैं वो ड्राइवर के नाम पे आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं हो पाएगा। अगर आप गलती से कर भी देते हो तो भी आपका कंप्यूटर उसको इंस्टॉल नहीं होने देगा, उसको रिजेक्ट कर देगा, ऑपरेटिंग सिस्टम उसको रिजेक्ट कर देगा और आपका कंप्यूटर बच जाएगा, आपका कंप्यूटर सिक्योर्ड रहेगा। क्योंकि यहाँ पे आपने शायद देखा होगा कि जो मैलिशियस प्रोग्राम्स है या फिर जो वायरसेस हैं वहाँ पे अलग अलग चीज़ें की जाती है, उनको शोकेस करने का अलग अलग तरीका निकाला जाता है। कुछ टाइम पे उनको एज ए ड्राइवर दिखाया जाता है, कुछ टाइम पे उनको ऐसे गेम दिखाया जाता है, अलग अलग वेबसाइट में अलग अलग लिंक पे क्लिक करने के लिए बोला जाता है, जिससे ऐसा लगता है कि जिस चीज़ की वजह से हम उस वेबसाइट में विजिट किए हैं वही काम होगा, पर एग्जैक्टली वो काम होता नहीं है और आपके कंप्यूटर में अलग तरीके से कोई एक वायरस आ जाता है या फिर कोई एक मैलवेयर आ जाता है। तो शायद आपने इस तरह की चीज़ों को नोटिस किया होगा। तो इस तरह की चीज़ों को रोकने के लिए, यहाँ पे कुछ हद तक रोकने के लिए इस तरह का जो ड्राइवर सिग्नेचर की ऑप्शन है ये दी गई है।
इसके अलावा भी जो एक और फीचर है वो है पैच गार्ड। अगर आप अपने कंप्यूटर में कोई एक ड्राइवर इंस्टॉल कर रहे हो और अगर वो मैलिशियस प्रोग्राम है तो वो किसी तरीके से कर्नल को इफेक्ट नहीं कर पाएगा। कर्नल यानी कि जैसे कि आपको पता है कि कंप्यूटर की जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका बिल्कुल कोर होता है, जो उस ऑपरेटिंग सिस्टम का बेस होता है, इसके बारे में मैंने बहुत बार पहले बात किया है, आप उस वीडियोस को जाके देख लीजिए, मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। जो कर्नल है उसको इफेक्ट नहीं कर पाता इस पैच गार्ड की वजह से, जो सिर्फ 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम में ही रहता है। अगला जो फीचर है वो है हार्डवेयर डेटा एग्जीक्यूशन प्रिवेंशन, जिससे जो रैम के अंदर जो डेटा होता है उसको किसी तरीके से जो मैलिशियस प्रोग्राम्स है वो अटैक नहीं कर पाता। तो इसके बारे में मैं किसी अगले वीडियो में बात करूंगा, मैंने आपको जस्ट शॉर्टली बता दिया है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि आप कैसे चेक करोगे कि आपके कंप्यूटर में 64 बिट सीपीयू है या फिर 32 बिट सीपीयू है, या फिर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम में 32 बिट है या फिर 64 है, बहुत आसान है। आप सिंपली दिस पीसी पे राइट क्लिक कीजिए, मैं यहाँ पे बात करूँ विंडोज 10 की। अगर आप विंडोज एक्सपी वगैरह में हो तो वहाँ पे लिखा हुआ रहेगा माई कंप्यूटर, वहाँ पे जाके राइट क्लिक कीजिए और वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा प्रॉपर्टीज़ की, तो आप सिंपली चले जाइए प्रॉपर्टीज़ में, तो वहाँ पे जाके आपको पता लग जाएगा कि आपके कंप्यूटर में 64 बिट सीपीयू है, 32 बिट सीपीयू है, 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया गया है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रॉब्लम्स की, तो इसमें जो एक मेजर प्रॉब्लम है वो है कॉम्पेटेबिलिटी। अगर आपके पास एक बहुत ही पुराना कोई हार्डवेयर है, जिस हार्डवेयर में जो कंपनी था, जिस हार्डवेयर के जिस कंपनी ने बनाया था, वो कंपनी आज एग्जिस्ट नहीं करता है, और वो पर्टिकुलर हार्डवेयर आपको चाहिए ही चाहिए, मान लीजिए एक साउंड कार्ड, तो उस साउंड कार्ड की जो ड्राइवर्स होंगे, बहुत ही पुराना एक साउंड कार्ड है तो उसका जो ड्राइवर्स रहेंगे वो ऑब्वियसली 32 बिट पे ही रहेंगे, उसका शायद 64 बिट का वर्जन भी नहीं आया होगा, तो इसमें शायद आपको प्रॉब्लम होगा। तो उस ड्राइवर को, उस 32 बिट ड्राइवर को आप मे भी अपने 64 बिट कंप्यूटर में इंस्टॉल ना कर पाओ, इसमें अलग अलग इश्यूज आए, तो ऐसा हो सकता है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स तभी होते हैं जब आपके पास बहुत ही पुराना कोई एक हार्डवेयर अवेलेबल हो और उस हार्डवेयर के रिगार्डिंग जो सॉफ्टवेयर अपडेट्स है वो आना बंद हो गया है, वो किसी भी वजह से हो सकता है, तभी ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ सॉफ्टवेयर्स की, जो नॉर्मल सॉफ्टवेयर्स है, जो नॉर्मल प्रोग्राम्स है, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि जो 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है यहाँ पे 32 बिट प्रोग्राम्स आराम से चल जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा विंडोज़ में दो अलग अलग फोल्डर्स रहते हैं प्रोग्राम फाइल्स का, एक रहता है सिंपल प्रोग्राम फाइल्स कहके, एक रहता है प्रोग्राम फाइल्स ब्रैकेट में x86 कहके। यहाँ पे जो प्रोग्राम फाइल्स x86 कहके जो भी फोल्डर होते हैं, इसमें जो भी 32 बिट सॉफ्टवेयर्स हैं वो इंस्टॉल होते हैं। तो मैंने आपको 32 बिट और 64 बिट के बारे में ऑलमोस्ट सभी चीज़ें बता दिया है। चलिए अब बात करते हैं 32 बिट सॉफ्टवेयर और 64 बिट सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस होता है, 32 बिट प्रोग्राम्स और 64 बिट प्रोग्राम्स में क्या डिफरेंस होता है। इनिशियली देखा जाए तो दोनों बिल्कुल एक ही तरीके से वर्क करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, जब तक वो जो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है वो ज़्यादा रिसोर्सेस हंगरी ना हो। अगर वो ज़्यादा रिसोर्सेस हंगरी होता है, अगर उसको 4 GB से ज़्यादा रैम की ज़रूरत है, तो वो जो पर्टिकुलर 32 बिट वाला सॉफ्टवेयर है वो 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम होने के बावजूद भी 4 GB से ज़्यादा रैम को यूज़ नहीं कर पाएगा, यूज़ में नहीं ला पाएगा, 4 GB से ज़्यादा रैम वो यूज़ कर ही नहीं पाएगा, तो ये एक प्रॉब्लम है। तो इसी वजह से शायद आपने देखा होगा कि आजकल के जो गेम्स आते हैं, यहाँ पे जो इनका मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट्स लिखा हुआ रहता है, उसमें लिखा हुआ रहता है 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, इसी वजह से होता है, क्योंकि आजकल के जो गेम्स हैं वो बहुत ज़्यादा रिसोर्सेस हंगरी है, तो अगर वो सिर्फ 4 GB रैम पे लिमिट हो जाए तो ऑब्वियसली वो गेम ठीक से चलेगा नहीं, तो उसको ज़्यादा रैम चाहिए, तो इसी वजह से उसमें 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत है, और वो जो गेम्स है वो ऑब्वियसली 64 बिट का ही है, तो इसी वजह से कोई प्रॉब्लम भी नहीं होता है। अगर हम यहाँ पे कंक्लूशन में बात करें, पूरा का पूरा वीडियो का अगर मैं कंक्लूड करूँ यहाँ पे, तो कौन सा लिया जाए, 32 बिट और 64 बिट कौन सा लिया जाए। CPU की बात करें तो यहाँ पे ऑब्वियसली 64 बिट, 32 बिट का कोई ऑप्शन ही नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, ऑब्वियसली 64 बिट, क्योंकि 64 बिट वाला ऑपरेटिंग सिस्टम आपको ज़्यादा फीचर्स ऑफर करता है। एक फीचर हो गया सिक्योरिटी की, दूसरा हो गया रैम यूटिलाइजेशन, तीसरा हो गया एफिशिएंटली रैम यूटिलाइजेशन, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने आपको एक एक चीज़ें एक इसी वीडियो में एक्सप्लेन की है। बात करें प्रोग्राम्स की, तो आप ये देख लीजिए कि अगर आपको ज़रूरत है 64 बिट प्रोग्राम की तो आप उसको इंस्टॉल कीजिए, अगर आपको 32 बिट की ज़रूरत हो आप उसको 32 बिट में चला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आप देख लीजिए ये चीज़ कि जो भी प्रोग्राम आप ले रहे हो वो कितना यहाँ पे रिसोर्सेस खाता है, अगर वो ज़्यादा रिसोर्सेस खाता है तो यहाँ पे 64 बिट प्रोग्राम लेना ही बेटर है। और हाँ, अगर आपको ऑप्शन मिल रहा है स्पेशली 64 बिट प्रोग्राम का, 64 बिट सॉफ्टवेयर का, तो मैं यहाँ पे रिकमेंड करूँगा आप 64 बिट को ही लीजिए,
आप 32 बिट पे क्यों जाओगे? अगर ऑप्शन नहीं है तो आपको 32 बिट पे ही चलाना पड़ेगा, 32 बिट जो प्रोग्राम है उसको ही इंस्टॉल करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, तो ऐसे ही आप काम कीजिएगा। तो मुझे लगता है 32 बिट और 64 बिट के बारे में मैंने आपको डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन दे दिया है। इसके बाद आपके मन में कोई सवाल नहीं रहा होगा, अगर सवाल है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हो, मैं उसका आपको वहाँ पर रिप्लाई कर दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, तो इससे यह होगा था कि चाहे मैं कोई नया वीडियो अपलोड करने वाला हूँ फ्यूचर में, वो सारे के सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद, गुड बाय।